प्रॉपर धूप आ चुकी है चारों साइड। ये अपना सूरज बहुत ऊपर आ चुका है अभी, और ये साइड से ये व्यू आ रहा है। चलो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अदर ब्लॉग। तो गाइस अभी आज हमारा जो है 7वां दिन है और हम लोग पूरी तरीके से रेडी हो चुके हैं। देखो यार, मेरा टोपा ओपा सब कुछ आ चुका है, अंदर मैंने शर्ट वगैरह और टी शर्ट वगैरह सारी चीज़ पहन ली। ठीक है, सस्पेंस है गाइस। अभी सुबह के बज रहे हैं 4, टाइम मैं आपको दिखा सकता हूँ। देखो गाइस, सुबह के 4 बज रहे हैं, देख, ठीक है, अप्रैल 8। तो गाइस अभी हम निकलने वाले हैं यहाँ से। ये हमारा पूरा सामान पैक हो गया, इसके पीठ पर टंग गया, बाकी मेरी पीठ पर टंगा हुआ है बैग इस तरीके से, वो रख लिया स्टिक। ठीक है, चलो रूम चेक कर लिए एक बार कंफर्म। तो गाइज अभी हम रूम से बाहर आ चुके हैं। देखो भाई, पूरा अंधेरा अंधेरा रखा है, सस्पेंस, हम लोग कहाँ जाने वाले हैं वो चीज़ बताएंगे आपको। तो गाइज होटल में निकल रहे हैं बाहर, बिल्कुल अंधेरा रखा हुआ है, फिर भी हम लोग कहाँ जाने वाले हैं, सस्पेंस है सुबह के बिल्कुल। तो गाइज चलते हैं सीधा सीधा, सीधा का सीधा शुरू करेंगे, तो सीधा का सीधा हम आपसे मिलेंगे। सर्दी का पारा तो अनलिमिटेड है, सर्दी इतनी पड़ रही है, ये मान लो अभी यहाँ पे है ना, टेम्परेचर बिल्कुल 0 हो चुका है, ठंड लग रही है बहुत तेज। कुछ इस तरीके का व्यू आ रहा है, हम लोग बस ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं, जैसे पार्टी की चला रहा है पीछे, और अभी मॉर्निंग हो चुकी है भाई, सुबह के 5:30 हो चुके हैं, सुबह हो गई पहाड़ों के किनारे, और बस कंफर्टेबल ऑलमोस्ट के लिए मैं पहुंच गया। ठीक है, मैं ना 2 बजे से जगा था इसके लिए, तो पहुंच ही गया। बस 1 किलोमीटर ऊपर चलना है थोड़ा सा, वहां से हमको सर बिल्कुल प्रॉपर तरीके से दिखेगा, तो बस पहुंचने वाले हैं। व्यू है वहां पे, तो अभी है ना चिड़ियों की चहचहाने की बढ़िया तरीके से आवाज आ रही है। ठीक है, मैं इतना पैदल चल चुका हूँ अभी तक, कम से कम 30 से 40 किलोमीटर। मॉर्निंग व्यू, चिड़ियों की चहचहाने की आवाज, हमारा सन आने वाला है थोड़ी देर में। ये तो गाइस थोड़ी देर में सूरज आने वाला है सीढ़ियों से।
तो गाइस ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पहुंच गया, ठीक है, ऑलमोस्ट आ गया। तो गाइस ऑलमोस्ट मैं अभी यहां तक आ गया हूं, ठीक है, अभी मुझे इतना ऊपर और जाना है। तो गाइस चलते हैं, ऑलमोस्ट मैंने अभी ना 1000 सीढ़ी चढ़ी है, ठीक है भाई, सूरज को देखने के लिए ना बहुत कुछ करना पड़ रहा है अभी। चलो गाइस फटाक से ऊपर और चलते हैं, इतनी सर्दी है कि मैं पूरा जहम हो चुका हूँ। तो गाइस मॉर्निंग में आ चुका हूँ कुंजा देवी के मंदिर, ठीक है, इस तरीके का पूरा व्यू है, ठीक है, ये भी लौटे घुमाता हूँ। सबसे पहले सनराइज देखना है, भाई इतने लोग आए हैं देखने के लिए सनराइज अभी। तो गाइस ये कुछ इंटेक्शन से पूरे आप पढ़ सकते हो, अभी मैं इतना ऊपर हूँ, मीटर वगैरह आप देख सकते हो पूरी चीज़ें। अभी चलते हैं सनराइज के लिए प्रॉपर तरीके से, उसके बाद फिर देखेंगे कुछ। कौन तुम? हम ही बोल गए थे, लेकिन हम रुके नहीं, हम चलते रहे धीरे धीरे, कछुआ की चल चलते रहे, थक कम गए थे, अभी निकला। तो गाइस ये भी कुछ जानकारी है, अभी इस साइड चलता हूँ मैं, यहाँ से देखेगा इतने लोग आए हैं सनराइज देखने के लिए, ठीक है, हम यहाँ से देखेगा। तो गाइस वहाँ से निकलने वाला अभी सन। सूरज की सीधी रोशनी करनी पड़ती है, ठीक है गाइस, वहाँ से सूरज की सीधी रोशनी आके ना इस टेंपल पर यहाँ पे पड़ेगी, ठीक है। जय माता कुंजापुरी, प्रसाद भी ऊपर ही मिल जाता है, ये प्रसाद वगैरह लगा रहे हैं, ठीक है, यहीं पे सनराइज होता है गाइस, जय माता कुंजापुरी पे, जो कि मैंने देख लिया प्रॉपर तरीके से, ये मंदिर है, ठीक है, वो अपना सनराइज हो चुका है वहाँ पे, मैंने जो कि प्रॉपर वीडियो बना दिया, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस, ठीक है, मंदिर के दरवाजे खुले हुए हैं, ये अपना अभी ये देखो शंकर भगवान और वो बैठे हुए हैं, ठीक है। तो गाइस सुबह 3 बजे 3:30 बजे निकला था, 4 बजे के आसपास निकला था मैं, उसके बाद यहाँ गया, ये देखो इस तरीके से पूरा, ठीक है, ये मंदिर का है पीछे का हिस्सा, देखो सनराइज, पीछे का हिस्सा। तो अभी आगे चलते हैं, यहाँ पे ये नारियल फोड़े जाते हैं हथौड़े से, ठीक है, इस तरीके से भैया अभी सीढ़ियों तो ना फिर दिखाऊंगा कितनी लंबी सीढ़ियाँ हैं, ठीक है। तो गाइस अभी मंदिर के अंदर चलते हैं, वैसे अलाउ नहीं करता फोटो और वीडियो शूट, लेकिन हम कोशिश करेंगे बनाने की। चामुंडे बिच्छी नमः, गाइस बैठे हुए हैं अंदर भगवान, पूजा वगैरह की तैयारी चल रही है अभी सुबह, तो हम अंदर नहीं जाएंगे, वीडियो शूट की मना है, यहाँ से मैं आपको व्यू दिखाता हूँ नीचे का पूरा, चले गाइस कुछ इतना व्यू पॉइंट आता है नीचे का, ठीक है, पहनते हैं स्लीपर, ठीक है, ये देखो इस तरीके से है ये पूरा, गाइस यहाँ से कुछ सीढ़ियाँ आ रही, ठीक है, कुछ यहाँ से मैं उतरने वाला हूँ प्रॉपर नीचे, तो देखो कुछ हो रही, और सबसे नीचे वाली दिखाता हूँ अभी, ये पॉइंट ऑफ व्यू आता है यहाँ का, और ये अपना सनराइज हो चुका है गाइस। तो गाइस ये देखो बिल्कुल प्रॉपर धूप आ चुकी है चारों साइड, ये अपना सूरज बहुत ऊपर आ चुका है अभी, और ये साइड से ये व्यू आ रहा है, चलो। तो गाइस मैंने ना इतनी स्पीड से सीढ़ियाँ चढ़ी कि मैं ना पूरा बेहोश हो चुका था, फिर एक भैया ने मेरे को पानी पिलाया, उसके बाद मैं ऊपर आया, अभी नीचे उतर रहा हूँ सीढ़ियों से धीरे करके, अभी आपको सीढ़ियाँ दिखाता हूँ आप लोग देखना।
से स्टार्ट होंगी पूरी सीढ़ियाँ और नीचे चली जाएंगी। देखो ये देखो ये देखो कितना लंबा है, ठीक है, पहला व्यू पॉइंट। फिर वहाँ से फिर सीधे नीचे जाएंगे, तो अभी चलते नीचे वाली पे धीरे धीरे करके। ये देखो ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है, पहला ये, फिर दूसरा, ठीक है गाइस, ये तीसरा, चौथा, ऐसे करके सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। लिखा है या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। ये पूरी चीज़ें वहाँ पे लिखी हुई हैं प्रॉपर तरीके से। तो गाइस अभी धीरे धीरे करके उतर रहा हूँ, स्पीड में आया था क्योंकि मेरे को है ना सूरज देखना था यहाँ से, तो वो तो मैंने देख लिया। तो अभी नीचे चलते हैं धीरे धीरे करके, फिर नीचे सीधे स्कूटी के पास ही मिलते हैं आपसे। ये नहीं, वो वाला व्यू पॉइंट दिखाऊंगा, यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं ना बहुत सारी, वो रह गया, वो दिखाता हूँ। टेम्परेचर की बात किया जाए तो गाइज यहाँ पे अभी टेम्परेचर नॉर्मल हवा वाला देखा जाए ना तो 2 है, और वैसा देखा जाए ना तो गाइज यहाँ पे अभी टेम्परेचर 7 होगा, आराम से 7 के आसपास। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कम हो रहा है, जैसे जैसे ऊपर आते जाते हैं वैसे टेम्परेचर कम होता जाता है। तो गाइस अभी ये वाली सीढ़ियाँ उतर लिया मैं नीचे पूरी, ये देखो, ठीक है, ये बीच का व्यू है, यहाँ पे आप रोक सकते हो, प्रसाद ले सकते हो जो भी लेना हो आपको यहाँ से। इसके बाद ये वाली सीढ़ियाँ उतरना बाकी, अभी यहाँ से उतरना स्टार्ट करना है नीचे तक बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। तो गाइस ये वाली सीढ़ी उतरना स्टार्ट हो गया, मैं नीचे से प्रॉपर एक सांस में चढ़ा, ये बीच वाली है ना बड़ी वाली, यहाँ के रुक गया, नीचे से एक सांस में चढ़ा, यहाँ के रुक गया बीच में। फिर एक अंग्रेज मतलब कोई वो फॉरनर उसने मेरे को पकड़ा, बोलता है हे बॉय नीचे नहीं, नीचे मैं नीचे नहीं जा रहा ऊपर जा रहा हूँ। फिर यहाँ से फिर मैंने एक सांस में ऊपर गया, फिर ऊपर जाते ही ना वहाँ पे आके फिर रुक गया मैं। तो गाइज कुछ ये है कुच्चा देवी सिद्ध शक्तिपीठ, यहाँ से मैं सीधा भगा था गाइज ऊपर, इतनी सीढ़ियाँ देखो, ठीक है गाइज। तो अभी तक मैं पूरी ट्रिप में है ना ये 8 दिनों के अंदर केवल केवल 2 बार ना मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है। इस मंदिर पे आते ही सुबह जल्दी आया था ना तो गाइज यहाँ से भगा था बहुत तेज, 5 बजे वो क्या नाम है 5:30 बजे के टाइम पे यहाँ से मैं 5:40 पे भगा था बहुत ही स्पीड से। तो गलती से मैं वहाँ चला गया था ऊपर, मेरे को पता नहीं था कि सनराइज़ कहाँ से देखना है। फिर वापस आया, फिर मैं यहाँ भगा भाई ऊपर बहुत तेज़। तो पहले तो मैं वहाँ जाके बेहोश हो गया सबसे ऊपर जाने के बाद में, फिर पानी वानी पिलाया भैया ने, वहाँ से फिर ऊपर चला गया देखने के लिए सनराइज़। और एक हुआ था मैं जब 0°C वहाँ पे पड़ा था, तो वहाँ जाके मेरे को है ना चक्कर और बेहोशा हो गया था। बस बाकी अभी चलते हैं यहाँ से गाइस फटाक सीधे। तो गाइस आ चुके हैं कुच्चा देवी के मंदिर से नीचे और वहीं पर सनराइज़ देखा हमने। तो ये वाला ब्लॉग करते हैं एंड, मिलते हैं गाइस एक और न्यू एडवेंचर ब्लॉग में। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस, जय हिंद वंदे मातरम, बाय बाय। द नेक्स्ट डे।